पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कैश जनरेट करने का, सिंपल सा मतलब बोले तो कैश जनरेटिंग यूनिट का, कि हम लोग कैसे करेंगे उसका इम्पेयरमेंट। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसमें और भी चीजों को ऐड करते हुए आज करेंगे हम लोग बात आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, व्हाट क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री? यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। आज हम लोग बात करेंगे सीजीयू की ही बात करेंगे, लेकिन इम्पेयरमेंट ऑफ टॉपिक अपना रहेगा। अभी पहला टॉपिक इंपेयरमेंट लॉसेस इन केस ऑफ सीजीयू हैविंग व्हाट गुडविल हो एंड कॉर्पोरेट एसेट। ओके, सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर इसमें है गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट। एज सिंपल एज दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, यू कैन से यस या नो? यस यस। सीजीयू की कैसे हम लोग इंपेयरमेंट लॉस निकालते थे, प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली है। अगर आपने स्टिल अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को, तो जल्दी से जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसमें हमने बात किया है। दैट इज द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर दिस इंडियस 36 सीरीज। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम अगर उस सीजीयू में, सीजीयू इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ सीजीयू इज कैश जनरेटिंग यूनिट, बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप। आई कैन रिपीट द मीनिंग ऑफ द सीजीयू फॉर यू। या दिस इज अ फेबर। ओके, इट इज व्हाट? इट इज आइडेंटिफिएबल। ओके, इट इज कैपेबल ऑफ सेल। एंड इंडिपेंडेंट। आई नो मैंने नंबरिंग थोड़ी सी उल्टी कर दी। मतलब व्हाट आई कैन से इज दीज थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, देन इट विल काउंट एज सीजीयू। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा, कि हम जब भी इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक ऐसे एसेट की बात करते हैं जो आइडेंटिफिएबल हो, जो इंडिपेंडेंट हो और कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश फ्लो। सेल की जगह आप लिखिए फॉर जनरेटिंग कैश फ्लो, जो कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। सो दैट इज व्हाट द सीजीयू इज। सो इंपेयरमेंट हम करते हैं किस चीज का? एक ऐसे एसेट का जो आइडेंटिफिएबल हो, जो कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश फ्लो हो और जो इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसे यूनिट को हम लोग बोलते हैं सीजीयू। या फिर अब सीजीयू क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब तीन चार एसेट मिल के एक प्रोडक्ट बनाए और उससे कैश फ्लो जनरेट करे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक अकेला प्रोडक्ट खुद, एक अकेला एसेट खुद अपने दम पे प्रोडक्ट बनाए और बेचे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो, दिस कैन ऑल्सो बी इम्पेयर्ड। एंड उसके प्रीवियस में जो सीजीयू है, मतलब जो ग्रुप है, वो भी इम्पेयर्ड हो सकता है। हम लोग बात करें उस ग्रुप की, स्मॉलेस्ट ग्रुप की, छोटे से छोटा ग्रुप जो एक प्रोडक्ट बना के कैश फ्लो भी जनरेट कर सकता है, आइडेंटिफिएबल है, दैट मीन्स व्हाट द कैपेबल फॉर सेल, उसको आप बेच भी सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। ओके, उसको अलग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस कॉन्सेप्ट कि अगर उसमें गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। व्हाट से लेट्स स्टार्ट। इस केस में वी विल फॉलो सम स्टेप्स एंड देयर आर टू अप्रोच आई वुड लाइक टू टेल यू। फर्स्ट वन इज बॉटम अप अप्रोच। सेकेंड वन इज टॉप डाउन अप्रोच। मोर इंटरेस्टिंगली दिस इज एज पर AS 28 एंड इंड AS
36 does not deal with this, but we are studying both combinedly. So ये अप्रोच नहीं बताता कि ये अप्रोच का नेम नहीं देता, बट ऑल दो इंडिया ऑल्सो डज द सेम बाय नॉट नेमिंग एनी अप्रोच. सो वी विल डू बाय द स्टेप, वी विल गो बाय अप्रोच. सो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच में पांच स्टेप है, इजी एंड पीजी. व्हाट आई कैन से, इजी स्टेप्स है, फाइव स्टेप्स आर देयर. तो पहला स्टेप में क्या होगा, स्टेप वन आई एम राइटिंग, हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई एसेट्स इन सीजीयू. सीजीयू में हम एक एसेट आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि इंपेयर्ड हो सकता है. इन केस हम एक ऐसे एसेट को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि डिक्लाइन, जिसमें डिक्लाइन हो रहा हो, जो वैल्यू डिक्लाइन कर रहा हो ड्यू टू लोअर फेयर वैल्यू लेस सीटीडी. कहने का मतलब है फर्स्ट थिंग विल बी टू आइडेंटिफाई अ ग्रुप, आइडेंटिफाई अ सीजीयू. एक एसेट आइडेंटिफाई करना है हमें, आइडेंटिफाई अ एसेट इन सीजीयू जिस जो डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी फेयर वैल्यू लेस सीटीडी लोअर डाउन हो रही है. ओके तो हम पहला स्टेप यही करेंगे, उस एसेट को आइडेंटिफाई करें. आई रिपीट द पॉइंट, आइडेंटिफाई एसेट इन सीजीयू इन केस एसेट हैव एनी अपेरेंट डिक्लाइन ड्यू टू लोअर फेस वैल्यू लेस सीटीडी, उसको हम लोग इंपेयर्ड करेंगे. सिंपली बोला जाए तो स्टेप वन हो गया अपना. इसमें हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट दैट कैन बी इंपेयर्ड. नाउ वी विल मूव टू द स्टेप टू. ओके आई एम देयर, लेट्स राइट द स्टेप टू. व्हाट इज, व्हाट डज इट सेज, calculate, it says, okay, what happened to my pen, calculate carrying amount, you will get a clear picture while I will do with examples. So just try to understand the steps, once we will go with example then the whole picture will be cleared. Are you getting my point? Okay, understood I believe. Calculate क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, carrying amount calculate करेंगे ऑफ ऑल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स को, एसेट का हम लोग कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. व्हाट द दैट इज सी ए बेसिकली, जो हमें लगता है हमेशा इंपेयरमेंट कैलकुलेट करने पे. आफ्टर कंसिडरिंग लॉस एज स्पेसिफाइड इन स्टेप वन, जैसे इसमें बोला था ना जो लॉस हुआ है स्टेप वन में, बोला ना कि फेयर वैल्यू लो हो गई है, गिर गई है. सो हम लोग कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि लॉस के बाद का होगा. ठीक है, नाउ स्टेप नंबर थर्ड. नाउ वी नीड टू डू एलोकेट गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स टू सी सी यू. ओके एंड सच एलोकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी. All right. But it is based on best assumptions. तो ये पूरी की पूरी तरीके से assumption पे based है. ये subjective matter है, आपको ये choose करना पड़ेगा कि कैसे allocate करेंगे goodwill को और corporate asset को CGU में. ये point आपको और clear होगा जब अपने question solve करेंगे. Don't
पैनिक, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ इट. फिर अपने कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट आर ए वॉट दिस इज रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीजीयू, उस सीजीयू का आर ए कैलकुलेट करेंगे. नाउ द लास्ट वन ऑफ द बॉटम अप अप्रोच, दैट इज स्टेप नंबर 5. कैलकुलेट ऑफ कोर्स इम्पेयरमेंट लॉस कैसे होगा, कैरिंग अमाउंट और आर ए से. और जो इम्पेयरमेंट लॉस आपने निकाल लिया, अब यहां से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा. अब जो इम्पेयरमेंट लॉस पूरा आया उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करेंगे. आई मीन इफ यू हैव अ सीजीयू देन यू हैव टू एलोकेट विथ डिफरेंट एसेट्स. एसेट नंबर दिस, सपोज करिए दिस इज गुडविल एंड अगेन एंड अगेन. सो व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल एलोकेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू पर्टिकुलर एसेट. यू बिकॉज इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर एसेट. सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली बार, पहला जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, फर्स्ट यू नीड टू एलोकेट टू गुडविल. सपोज करिए आपका ये गुडविल जो है 50,000 का है और मेरा इम्पेयरमेंट लॉस 1,00,000 का है. सो इसमें से 50,000 विल बी डायरेक्टली बी चार्ज टू गुडविल. और ये गुडविल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, बिकॉज ये रूल है कि पहले अपने गुडविल को इम्पेयर करेंगे, ऐसा माना जाता है. And balance to other relevant assets. और बाकी की बाकी जो है वो other relevant assets में हम लोग allocate कर देंगे. Including आपका कॉर्पोरेट एसेट, इनके रेशियो में जो बचा हुआ है इनके रेशियो में फिर वो एलोकेट करेंगे. अब जो 50,000 बचा, अब 50,000 में कुछ ये भी इम्पेयर होंगे, कुछ ये भी, तो रेशियो में एलोकेट कर दिया जाएगा. सो ये है बॉटम अप अप्रोच, लेकिन आपको ये ज्यादा समझ में आया नहीं होगा बिकॉज there is always a space for an example. So we will understand this by having one example. चलिए example लिखते हैं, pause कर दे video. I believe नहीं, छोटा सा example है. Suppose करिए alpha limited है. मैं alpha beta बहुत बोलता हूँ क्या. alpha has following assets, say ये हो गया प्लांट 1, 2, 3. प्लांट मीन्स एसेट 4, 5 से इनकी कैरिंग अमाउंट दी गई है और इनके सीजीयू भी दिए हुए हैं. ओके, सो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट आई शुड गिव यू इज लाइक से 2,00,000. दिस इज 3,00,000. नाउ 4,00,000. 5 यू कैन से, दिस में बी 6. ओके, सीजीयू ए कर देते इधर, इधर बी, इधर सी, बी एंड ए. ओके, नाउ वी हैव टू आवर स्पेशल एसेट्स, दैट इज व्हाट गुडविल कैन नॉट be allocated. ऐसा goodwill जो cannot be allocated, उसकी value है, मतलब allocate आप नहीं कर पा रहे हो कि कौन से CGU में है, that is 1,00,000. corporate asset, this is not, cannot be allocated, rupees 20. alright, question आपको समझ में आ गया. सीजीयू एक सीजीयू है, दो सीजीयू है इस क्वेश्चन में बेसिकली, और उसमें कुछ 5 एसेट हैं टोटल, और उसमें कुछ ऐसे एसेट भी हैं जो कि एलोकेट नहीं हो पा रहे हैं कि किस सीजीयू में.
तो आपको ये बताना है कि इनकी इंपेयरमेंट आप कैसे करेंगे। तो इंपेयरमेंट निकालने के लिए आपको आरए भी लगेगा, सो मैं बता देता हूँ कि आरए क्या है। इसमें सी बी ए बी सी एम सॉरी आई सेड ए एन बी ओनली आरए फॉर ए आरए फॉर बी आरए फॉर सी व्हाट वुड यू से से दिस इज 6 लाख ओके आई हैप्पी ओके आई विल इंक्रीज समथिंग 7 ओके आई विल कट इट टू हाफ फॉर सी नॉट फॉर बी इजंट इट। ओके नाउ अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सीजीयू क्या होगा, लार्जर सीजीयू, एक लार्जर सीजीयू मतलब अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, लार्जर सीजीयू ये लगेगा, इसलिए मैं ये डेटा दे रहा हूं। हैविंग ए बी सी कम्स टू 18 लाख से ओके दिस इज 10। अगर इन तीनों का एक सीजीयू रहता तो उसका आरए मींस रिकवरेबल अमाउंट होगा 18 लाख। सो दिस इज व्हाट द बेसिक क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि अनएलोकेटेड गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स पे कैसे चार्ज होगा। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। पहली बात हमें अलग देखना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट सारा अलग अलग करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ए है बी है सी है, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों सीजीयू है ओके। अब इन तीनों सीजीयू में कुछ एसेट्स हैं जिनकी है कैरिंग अमाउंट, सो लेट्स फाइंड आउट कि किसमें कौन से एसेट्स हैं। ये भी एसेट, ये भी एसेट, यहां पे एसेट है ए में 1 and 5 एंड उसकी वैल्यू है 2 लाख 6 लाख। कहां से आया, टू लैख सिक्स लैख 1 and 5 एंड दैट इज ए। वॉट अबाउट बी 2 and 4 3 and 5 आई एम राइट, दिस इज 2 and 4 एंड द वैल्यू इज वॉट आई विल गेस 3 lakh and 5 lakh। नाउ वॉट लेफ्ट, 1 2 3 3 लेफ्ट, वॉट इज द वैल्यू ऑफ 3। We are just finding, what we are doing now is finding the carrying amount. Okay. So, can you do the total for me? Total C kya ho gaya? 2 plus 6, that is 8. Main maths bhi sikha de raha hu, I believe. Okay. This also comes 8. What a coincidence. This comes half. This is also good. कैन यू टेल मी व्हाट इज द आर ए, हमने लिखा हुआ था 6 lakhs 7 lakhs वाओ, बट इट कम्स हाफ 350। दिस इज अभी तक जो आपने किए, ये बेसिकली सिंपल सा स्टेप है, सी ए और आर ए निकालना है अपने को, अभी मेन काम करना है एलोकेशन का, वो अभी आएगा, इसीलिए ये तो अपने पहले भी किए हुए हैं कि आर ए में से सी ए माइनस करेंगे, ये सी ए हो गया ये आर ए हो गया, ये सी ए हो गया ये आर ए हो गया, ये सी ए हो गया ये आर ए हो गया। सो व्हाट नाउ इज इंपेयरमेंट लॉस एंड व्हाट द फॉर्मूला इज सी ए माइनस आर ए, सो कैन यू डू द माइनस, या थैंक यू, दिस विल कम अराउंड अराउंड नहीं एग्जैक्टली 2 लाख, दिस विल व्हाट 1 लाख राइट। नाउ दिस वन इज 50k 50,000, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस थैंक यू। नाउ द क्वेश्चन इज
हाउ डू यू एलोकेट दिस? एलोकेशन विल बी डन जो एसेट है हमारे पास उनके बेसिस पे. इसमें हमारे पास दो एसेट है, एसेट नंबर वन एंड एसेट नंबर फाइव. नाउ वी विल नीड टू एलोकेट कि कौन से एसेट पे कितना चार्ज होगा. इन सेक्शन बी मतलब इन सीजीयू बी वी हैव एसेट टू एंड फोर आई बिलीव एंड हेयर आई हैव थ्री. सो यहाँ पे तो एक ही है तो ऑल विल बी चार्ज टू दैट पर्टिकुलर एसेट ओनली. नाउ वी हैव 2 lakh एंड 1 lakh. सो वॉट वी डू, वी विल यूज द रेशियो. What we will use, we will ratio of 2:6, okay, and we will classify it, we will divide it in the ratio of 2:6, that is comes around 1:3. So 2 lakh into 1/4, 2 lakh into 3/4, how does it come, 1:3, that comes around 2 lakh. Is to 6 lakh. Cut all the zeros. 2 ones are 2, 2 threes are 3. The ratio is 1:3 and 1 + 3 = 4. So, ye ho gaya aapka 4. Are you getting my point? 4 fives are 20. What I'm doing. This will come 50,000 and this will come rest 2 lakh minus 1 minus 50, that will 150. मैं उसी एसेट के रेशियो में एलोकेट कर दे रहा हूँ इम्पेयरमेंट लॉस को. आप समझ पा रहे हो कि कैसे हमें इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करना है. ओके, नाउ कम्स टू 1 lakh वी हैव एंड द एसेट वी हैव इज 2 and 4. आई मीन व्हाट इज द वैल्यू इज 3 and 5 आई बिलीव. यस, 3 lakh and 5 lakh. So the ratio is 3:5, it will comes around 8. So what we will do is 1 lakh into 3/8 and here 1 lakh into 5/8 and this will come around 37,500 and the rest is 6 to 500, I guess. This will come 1 lakh. So, हमने अभी क्या किया, हमने एसेट जहां पे एलोकेट कर सकते हैं, ये तो आपको पता है सी ए माइनस आर ए करने से आ जाता है इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन हमें इन एसेट्स पे एलोकेट करना. 2 lakh कितना इंपेयर हुआ, मतलब 2 lakh का जो एसेट नंबर वन इसमें कितना इंपेयरमेंट हुआ, तो भैया इसमें 50 हुआ, इसमें 1 lakh 50 हुआ, इसमें 37,500 हुआ, इसमें 5 lakh में 62,500 हुआ, इस 4 lakh में से 50,000 इंपेयर हुआ. ये तो एलोकेट कर दिए क्योंकि इसका अपने पास डेटा है. लेकिन हमारे पास ऐसे भी एसेट्स हैं जिसका गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड एंड दैट इज दैट वाज गुडविल एंड सी. आई होप आपको पता होगा हमारा हेडिंग क्या था. आई रिपीट, इंपेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ द गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट. सीजीयू जिसमें गुडविल भी हो और कॉर्पोरेट एसेट हो, तो इनको कैसे एलोकेट करेंगे. बिकॉज गुडविल को आप एसेट में बुक नहीं करते, वो सेपरेट रहता है, उसको वो एलोकेट नहीं किया जा सकता. मतलब किसी सीजीयू में वो नहीं माना, मान नहीं सकते आप ना गुडविल की किस सीजीयू में. मतलब आप ये तो बोल नहीं सकते कि हम आधा गुडविल इधर यूज करें, आधा इधर और आधा उधर. सो इसको ये माना जाता है कि वो एलोकेट नहीं हो सकता. वैसे ही केस में कॉर्पोरेट एसेट की भी बात है. मतलब आप गुडविल को कैसे बांटोगे भाई, आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, से 3 एसेट की यूनिट है, तो बोलोगे कि आधा गुडविल हम इसमें यूज कर रहे हैं, आधा उसमें. तो बेसिकली गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड इन सीजीयू. तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो वो क्वेरी है. सो अभी तक हमने बेस क्लियर कर दिया कि हम कैसे निकालते हैं और कैसे एलोकेट करते हैं. इस एलोकेशन के बाद हम आते हैं कि अन एलोकेटेड केस में. ओके, तो इन सब घटना के बाद हमारा रिवाइज सीए क्या होगा. हमारे पास प्लांट थे 1, 2, 3, 4, 5 आई बिलीव, राइट. इनकी वैल्यू क्या थी, 2 lakh, इनकी 3 lakh. मैं आफ्टर इंपेयरमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बिफोर इंपेयरमेंट की बात कर रहा हूँ. इनकी 4 lakh, ये 5 lakh और ये 6 lakh.
इसमें से हमने 50,000 को इम्पेयर कर दिया, इसमें से 37,500 को इम्पेयर किया अगर आपको याद हो तो, 4 लाख में से डायरेक्टली 50,000 हमने किया था, 5 लाख में से अपने 6 to 500 किए थे और 6 लाख्स में से 1,50,000। अभी कहाँ से फिगर आया? अभी जो हमने इम्पेयरमेंट किए हैं, एलोकेट किए हैं इम्पेयरमेंट को, वहां से फिगर आया। अभी तक अपने गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को टच नहीं किए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, थैंक यू। सो ये रहा आपका एलोकेशन जो हम बोल रहे थे कि कितना किसमें से कितना गया। सो दिस इज वॉट इट इज। ओके, नाउ वॉट इज द वैल्यू वुड बी? दिस इज 150 आई बिलीव। यस, दिस कम्स अराउंड 2,6 to 500, दिस विल बी डायरेक्ट 350 एंड दिस विल कम अराउंड 437। 6 to 500 सब गेट दिखे तो समझ लो 3,750 आने वाला। दिस विल कम अराउंड आई गेस 450। ऑल राइट, और इसके बाद हमारे पास क्या है? और भी दो एसेट्स हैं अपने पास। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो कि है गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को। अपना गुडविल कितना था और कॉर्पोरेट एसेट कितना था? अपना गुडविल 1 लाख था अगर आपको याद हो, और कॉर्पोरेट एसेट 2 लाख का था। चलिए दिखाते हैं आपको। एक लाख 2 लाख। ओके, तो इनका टोटल वैल्यू कितना हो गया? 19,50,000। आप सम टोटल करेंगे तो इतना आएगा, मैंने कर लिया पहले से। और इन सब का आरे कितना? अगर आपको याद हो तो हमने तीनों सीजीयू का एक आरे बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को मिला के एक सीजीयू बनाएंगे तो उसका आरे होगा 18 लाख। एंड वॉट इट इज? इट इज सी ए एंड दिस इज आर ए एंड आवर इम्पेयरमेंट इज 1,50,000। तो आपको क्या लग रहा है? हमारे पास अभी दो हो गए इम्पेयरमेंट, एक तो अपने पहले ही से करके उसकी करेक्ट वैल्यू पे लाए, फिर ये ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट के लिए। ठीक है, तो आपको जब ये गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट की बात आएगी तो रिवाइज सीए निकालना पड़ेगा और उनकी वैल्यू को ऐड करके टोटल सीए निकाल के फिर आरए की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई विल टेल यू व्हाई, डोंट वरी अबाउट इट। हमने बोला तो स्टेप 4 में एक चीज कि जब गुडविल आई एम सॉरी इंपेयरमेंट लॉस जब निकल जाए तो इसको एलोकेट कैसे करेंगे। पहला एलोकेशन सीधा जाएगा गुडविल की तरफ। हमारे पास गुडविल कितना था? 1 लाख। तो पूरा का पूरा 1 लाख इसमें से गुडविल को इम्पेयरमेंट के लिए जाएगा। फिर अपना बचा कॉर्पोरेट एसेट, ये जाएगा रिमेनिंग 50,000। अगर आपका कॉर्पोरेट एसेट 50,000 से कम रहता है तो दिक्कत होता, लेकिन वो होगा नहीं। अब मैं बताता हूं कि आपकी इम्पेयरमेंट कितनी हो गई टोटल। आपकी इम्पेयरमेंट हो गई टोटल 2 लाख, 1,50,000 प्लस 1,50,000। टोटल इम्पेयरमेंट कितना हो गया? इम्पेयरमेंट लॉस 2 लाख, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,50,000। दिस विल कम अराउंड 1.5-1.75। टोटल आपका एसेट हुआ 5 लाख से इम्पेयर्ड। हमने किया क्या? हमने गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को निकालने के लिए एक ट्रिक फॉलो की जो कि मैं आपको लॉजिक बता देता हूं उस ट्रिक का। कॉर्पोरेट एसेट, ओके, हमने पहले एक एक इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट कर दी, ठीक है, और उसको रिवाइज सीए पे ला दिए। तो क्या इसमें से कोई भी इंपेयरमेंट बची होगी? आंसर इज नो। फिर हमने क्या किया? इनका टोटल सीए निकाला, मतलब अब इसमें से कोई भी इंपेयरमेंट की गुंजाइश नहीं है क्योंकि हमने पहले निकाल लिया है।
इस टोटल सी में हमने गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को भी जोड़ा। अब आप ये समझ गए होगे कि इम्पेयरमेंट होगी, इम्पेयरमेंट का एलिमेंट होगा भी तो सिर्फ इन्हीं दोनों में होगा। आप समझ रहे हो, मैंने जो टोटल सी रिवाइज सी निकाला, टोटल रिवाइज सी अगर जो हमने निकाले, उसमें इम्पेयरमेंट का जो एलिमेंट है वो सिर्फ तो गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट में ही बचा है। अगर टोटल रिवाइज सीए है जिसमें बस ये बचा है और हमारे पास टोटल आरए है, सो इन दोनों को जो माइनस करके इम्पेयरमेंट लॉस निकलेगी वो तो बस इसी का होगा, क्योंकि इनका तो हम लोग पहले ही निकाल लिए। सो दिस इज द अप्रोच, दिस इज व्हाट द ट्रिक टू फाइंड आउट द गुडविल, आई मीन द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ द गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट। ओके, सो इससे हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू हैविंग गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट। तो आपको स्टेप बता देता हूं कि इसमें से टॉप बॉटम अप अप्रोच कहां से तक लगा। ये जो रिवाइज सीए से कैलकुलेशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, और इसके पहले के जो स्टेप्स थे उसको बॉटम अप अप्रोच करते हैं। ओके, तो हमने स्टेप 5 तक बात कर ली थी, तो स्टेप 6 वही था जो रिवाइज सीए से कैलकुलेट करके अपने करना था। अगर स्टेप 6 को लिखा जाए तो स्टेप 6 में आपको क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है रिवाइज सीए ऑफ ऑल एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स का, ऑल द एसेट का कैरिंग अमाउंट आपको निकालना है। ऑल मतलब यहाँ पे एंटिटी, मतलब पूरी एंटिटी का या फिर पूरे सीजीयू का एज द केस में भी, ठीक है, जिसमें हम लोग को ऐड करना है जो हमने किया दूसरे पॉइंट में लिखे, तो ऐड करना है अनएलोकेटेड गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को जो हमने किया भी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका हमें आर ए कैलकुलेट करना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 18 लाख। अब जब हमारे पास टोटल सी ए है और आर ए है, तो हम लोग फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। और ये लॉस क्या होगा, लॉस विल बी एलोकेटेड टू पहला प्रेफरेंस गुडविल को, क्योंकि माना जाता है इंपेयर होगा तो पहले गुडविल होगा फिर अदर एसेट्स, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट एसेट्स। और क्लियर, जो हमने किया वो अभी यहां पे लिख दिया। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई कॉर्पोरेट एसेट क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ तो लिया लेकिन ये होता क्या है कॉर्पोरेट एसेट। देखो ऐसे एसेट जो जनरेट नहीं करते, विच डज नॉट जनरेट कैश फ्लोज, अगर कैश फ्लो जनरेट करते तो वो तो सीजीयू का पार्ट हो जाते। ये सीजीयू का पार्ट इसीलिए नहीं बनते क्योंकि उसमें तीन कंडीशन है कि वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश होना चाहिए और इंडिपेंडेंट हो जाए। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होती, लेकिन कैश जनरेशन वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे कि एडमिन एसेट्स, रिसर्च बिल्डिंग, तो एडमिन एसेट से आप कैश जनरेट नहीं कर सकते, रिसर्च डेवलपमेंट से आप क्या करोगे, कैश तो जनरेट नहीं करोगे, रिसर्च से तो थोड़ी ना ज्ञान, रिसर्च से कुछ नहीं होगा, जब तक आप तक पेटेंट नहीं लेंगे तब तक आप कैश जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर कॉर्पोरेट एसेट,
or those are the goodwills. So I hope the point is now very much clear. Now we will move towards the next topic, which is yes related to the CGU itself, and the next topic is relocation of CGU. Relocation of assets in CGU. इस केस में क्या होगा? पहली बात इसका मतलब क्या है? देखो ये CGU A है और ये CGU B है. इसमें 1, 2 मान लो एसेट है, यहाँ पे 3, 4. अब हुआ क्या? इस 4 को निकाल के यहां पे ला दिया गया और इस 1 को निकाल के इधर ला दिया गया. सो क्या हो गया? रीलोकेट कर दिया गया. ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द रीलोकेशन ऑफ सीजीयू. तो इस केस में क्या होगा? जो हमने पहले गुडविल एलोकेट करके रखा हुआ था, गुडविल जो है पहले से एलोकेट करके रखा हुआ था, अभी ऊपर जो हमने किया उसको हमें री एलोकेट करना पड़ेगा. ओके, और एक कौन डिसाइड करेगा? एक्सपर्ट और मैनेजमेंट. सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि जब आपका रीलोकेशन होगा तो आपको गुडविल को भी रीलोकेट करना पड़ेगा एक दूसरे, जैसे कि वहां पे ज्यादा गुडविल था यहाँ पे कम गुडविल था, तो उस हिसाब से आपको गुडविल का जो इम्पेयरमेंट है उसको भी रीलोकेट करना पड़ेगा. ओके, एक सीजीयू में गुडविल है, ठीक है, मान लेते, और ये पार्टली डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, मतलब बेच दिया गया, कुछ हो गया, तो उसमें से गुडविल को भी डिस्पोज्ड ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट है, ऑल दो दीज आर नॉट मोर रेलेवेंट, बट थोड़े बहुत लिखे हुए हैं तो हम बता देते हैं. एक पॉइंट और आपको बता देते हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से जो गुडविल है रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे नहीं, आने वाले एक चैप्टर में जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन. ओके, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से जो भी गुडविल रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे सीजीयू से रिलेटेड था तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड रहेगा तो हम लोग उससे डिस्कस करेंगे. हमारा एक पॉइंट और बच गया है, दैट इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. हमें टाइम देखना पड़ेगा, 38 मिनट्स. सो चलिए उसको लास्ट वीडियो में करते हैं, मतलब रिवर्सल ऑफ, ऑल दो इट विल नॉट टेक अराउंड 10 to 15 मिनट, बट वीडियो लंबी हो जाएगी. अगर आप रेडी हो तो अभी करा दे, चलिए कर लेते हैं, बहुत इजी है. द टॉपिक इज, नाउ वी कैन चेंज द पेन, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. ठीक है, ये टॉपिक है अपना, ये कैसे करेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो आपको देने हैं ध्यान. इंडिकेटर्स, ये भी ऐसे ही इंडिकेटर्स. अब इसमें दो इंडिकेटर्स हैं, मतलब आपको कब लगेगा कि हमें इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना है. ओके, व्हाइट
पहला है इंटरनल जैसे पहले था, और दूसरा है एक्सटर्नल। और पहले हमें इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस जब पढ़े थे, हमें स्पेशल इंडिकेटर भी था जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर से जब डिविडेंड मिलता था तो चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं होगा, रिवर्सल के केस में वो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स में तो आपको आप नहीं दोगे डिविडेंड। तो प्रैक्टिकली दो चीजें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, की आपको रियलाइज हो कि भाई इंपेयरमेंट लॉस भी रिवर्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि करके। पहला है इंटरनल, जैसे वहां पे पढ़ा था भाई सेम है, मतलब अगर आपको याद हो इंडिकेटर्स ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस तो वही है, चेंज इन मैनर ऑफ यूज। वहां पे भी था कि अगर मैनर ऑफ यूज चेंज हो गया, अगर वैल्यू अप और डाउन हो गई तो फिर से रिवर्सल हो के संकेत मिल सकते। जैसे आपने पहले एक इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है 50,000 का, लेकिन अब जो इंपेयरमेंट लॉस दिखा रहा है 20,000 का, तो 30,000 जो एक्सेस है उसको हटाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट द रिवर्सल मींस। ओके, अगर बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहता है तो भी आप रिवर्स कर सकते हो। और इसमें एक केस था अगर आपको याद हो, डैमेज डॉलर, लेकिन यहाँ पे वो डैमेज डॉलर नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो इम्पेयर्ड है, ठीक है। रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते, रिवर्सल मतलब जो आप चार्ज करके रखे हो लॉस, उसको उस लॉस को कम करना। जैसे 50,000 से हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस 20,000 हो गया, हम एक्सेस बुक किए हैं तो रिवर्स करना पड़ेगा। सो दो केसेस हैं, चेंज इन मैनर ऑफ यूज, अगर हम अच्छी जगह यूज करने पर लगे तो उसका इंपेयरमेंट लॉस आप कम दिखेगा, बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर उसकी होगी तो ठीक है। यहाँ पे चेंज फॉर गुड है, मतलब यहाँ पे कुछ अच्छाई होती है एसेट के साथ तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा। वहां पे पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था, यहाँ पे बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। मैनर ऑफ यूज जो कि फेवरेबल कंडीशन, मैनर ऑफ यूज जिससे कि फेवरेबल कंडीशन बनाते, मेक इट फेवरेबल। फोन क्यों बजता है भाई? ओके, मेक इट, सॉरी फॉर दैट, मेक इट फेवरेबल, मतलब फेवरेबल कंडीशन बना दे कि एसेट अच्छा यूज हो। कहने का मतलब क्या है, आप अगर समझ पा रहे हो रिवर्सल का मतलब क्या है? यहां पे हमने 1,00,000 इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करके रखा हुआ है, लेकिन हमने देखा बाद में कि हमने ज्यादा चार्ज करके रखा, तो इसको रिवर्स करके सपोज कि 50,000 से कम कर देंगे। अब ये कैसे होगा, मेरा 8,00,000 का एसेट था, ठीक है, इसको हमने 7,00,000 पे दिखाया, मतलब 1,00,000 वो बुक कर दिया, लेकिन आने वाले समय में देखा गया कि इसके हिसाब से इंपेयरमेंट लॉस जो 1,00,000 का डिफरेंस था, अब वो 1,00,000 नहीं है, बस 50,000 का ही रह गया, तो 50,000 को अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इंटरनल दो इंडिकेटर्स है जिससे हम चेक करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जैसे वहां पे था वैसे यहां पे भी है, फिर भी बताना जरूरी है। पहला मार्केट प्राइस ऑफ एसेट, व्हाट इंक्रीज, वहां पे रिड्यूस था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज गोज डाउन, जिससे आपका डिस्काउंटिंग रेट भी गोज डाउन होगा तो इंपेयरमेंट लॉस भी कम होगा। फेवरेबल मार्केट कंडीशन अगर हो गई तो आपका एसेट अच्छा परफॉर्म करेगा, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, अपनी लॉस को प्रॉफिट बना सकते हो। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट, इंपेयरमेंट लॉस कैन नॉट बी रिवर्स इन केस ऑफ द गुडविल। गुडविल के केस में आप रिवर्स नहीं कर सकते। और बाकी अदर केस में आप कर सकते हो, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट। ओके, और इंडिकेटर के हिसाब से करना चाहिए आपको। और
इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान देना है, चलिए हम बता देते हैं। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल विल बी वॉट, वॉट या लोअर ऑफ फॉलोइंग। पहला है आर ए माइनस सी ए, बी सी ए इफ नो इंपेयरमेंट लॉस वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर। कैरिंग अमाउंट जब कोई भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं किया गया हो तब इन दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, रिवर्सल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आर यू गेटिंग मी, क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इट विल बी प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस और एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल। जैसे वो, अच्छा आपको मैंने पहले भी एंट्री नहीं बताई है ना, इंपेयरमेंट लॉस होता है तो क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस और एसेट, मतलब एसेट को आप क्रेडिट कर सकते हो और यहाँ पे पीएल में चार्ज कर दो, तो डायरेक्ट वही इफेक्ट यहाँ पे भी आ गया, मतलब वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये इंपेयरमेंट लॉस की है और ये रिवर्सल की एंट्री बेसिकली, ठीक है, इजी एंट्री है, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है अगर आप देखें तो। वैसे ही डेप्रिसिएशन रिवाइज की जाएगी, बिल्कुल रिवाइज की जाएगी क्योंकि कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू चेंज हो जाएगा। डीटीए और डीटीएल दोनों फिर से अफेक्ट होंगे और उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने डीटीए और डीटीए डीटीएल जैसे बुक किया है फिर से आपको कैलकुलेट करके उसकी बुकिंग सही करनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा है तो कम, कम है तो ज़्यादा करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एज द केस मे बी। सो वी विल हैव सम क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, तो करके मजा आएगा। अपने पास एक और टॉपिक है, दैट इज व्हाट द डिस्क्लोजर। आई होप ये कुछ हर इंडियंस के लास्ट में आपको एक बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट जिसको आपको रटना ही पड़ेगा बेसिकली वो आ जाता है, दैट इज व्हाट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। पहला है इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड इन पीएल, और इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे आप, पीएल में या तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, दो जगह आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, दो जगह तो कर ही सकते हैं, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। और इंपेयरमेंट लॉस जो कि रिवर्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। इंडिकेटर्स और इवेंट्स आपको बताने पड़ेंगे जो ट्रिगर किए इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के लिए या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंडेस, इस इंडेस को अप्लाई करने के लिए जो ट्रिगर किए बेसिकली इंपेयरमेंट लॉस क्यों, मतलब लगाने के लिए आपको कौन सा इंडिकेटर, तीन ठो चार ठो जो हमने बताया है, इंटरनल एक्सटर्नल स्पेशल और रिवर्सल के केस में इंटरनल एक्सटर्नल, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
आपने अगर कोई एजम्पशन लिया है और एनी जस्टिफिकेशन, यू नीड टू डिस्क्लोज इट इन कैलकुलेशन ऑफ किन किन केसेस में आरए, जस्ट लाइक आरए के कैलकुलेशन में अपनी डिस्काउंट रेट का कोई एजम्पशन लिया हो, क्या डिस्काउंट रेट था आरए के कैलकुलेशन में, क्या कैश फ्लो का पीरियड था, मतलब कितने साल के लिए होता है, जनरली ये 5 इयर्स के लिए होता है, कैश फ्लो पीरियड आपको बताना पड़ेगा। अभी आरए में कहाँ यूज होता है कैश फ्लो पीरियड, वैल्यू इन यूज में यूज होता है, ठीक है, कि कितने साल के कैश फ्लो से अपने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, दैट इज वैल्यू इन यूज एंड दैट इज टू गिवन बाय मैनेजमेंट। सीटीडी क्या है, सीटीडी क्या है, कॉस्ट टू डिस्पोजल, दैट इज व्हाट द कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर सेल एंड फेयर वैल्यू कैलकुलेशन, आपने फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया है वो भी बताना पड़ेगा। जैसे हमने बोला था इसको कैलकुलेट करते हैं इंडियस 113 के हिसाब से, तो आप जैसे कैलकुलेट किए वो भी आपको एजम्पशन दिखानी पड़ेगी। ई पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, एलोकेशन ऑफ गुडविल जो कि इतना माथा पच्ची करके आपने सीखा है, ठीक है, और आपका कोई मेजर सेगमेंट इफेक्ट हुआ है ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस। अब ये क्या है, सपोज करिए आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में ही पूरा डिक्लाइन आ गया है और आप पूरी फैक्ट्री एक सीजीयू है और उसमें सपोज करिए 1 करोड़ का एसेट था, लेकिन इतना भयंकर डिक्लाइन आया कि आज वो 10 लाख की हो गई। सो दिस इज व्हाट इज मेजर डिक्लाइन और मेजर इफेक्ट ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम इंड एस 36 एंड AS 28, but there are slight differences with Ind AS 36 and 28 जो कि ज़्यादा वो मायने नहीं रखते क्वेश्चन सॉल्व करने में, सो आई बिलीव वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड वी विल हैव, अगर वहाँ पर कोई डाउट आया तो वहीं पर डायरेक्टली क्लियर करेंगे, ज़्यादा नहीं है बस थोड़े बहुत है। जैसे हमने बोला बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई अप्रोच नहीं, ऑल दो प्रोसेस वही है, मतलब वही करके आपने आदमी गुडविल को और कॉर्पोरेट एसेट को एलोकेट करता है। सो गाइस थैंक यू फॉर बीइंग हियर, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल, बस आप एक बात याद रखिएगा, क्या कि आप हैं तो हमारी हैसियत है। जी हाँ, शुक्रिया।